उनकी शादी शाइस्ता खानम से हुई और उनके तीन बेटे तौकीर डार, तासीर डार और तफसीर डार वो अपने अहले खाना के साथ एक खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। अंकल जी आप बताएं अपना कोई शादी आपकी किस तरह हुई, लव मैरिज थी या? मुझे बचपन से ये शक था, डर था, क्योंकि मेरे वाले साहब और इनके वाले साहब जानो बड़े दोस्त थे आपस में, 24 घंटे में वो 18 घंटे इकट्ठे रहते थे, तो मुझे ये खुटका था कि मेरी शादी इसी के साथ होगी, तो लिहाजा अंजाम वही निकला, इसी के साथ शादी होगी। कुफोजाज बहन थी बस, उनके घर कभी कभी ये जाया करते थे गुजरा वाले, बस वहीं से स्टार्ट हो गया। फिर वो चलता रहा, कितने साल लगे थे उसके पीछे, शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। कुछ सिचुएशन ही ऐसी बन गई घर की, कुछ घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, घर वालों ने कह दिया कि हमने उधर शादी करनी है। उनके जो अबू ने थे वो मेरे अबू को बहुत दोस्त थे, उनकी तो मेरा ख्याल है शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मैं इधर ही करूँ। तो बस मौका मिला उन्होंने जब ये आए तो उन्होंने मंगनी कर दी और 3 माह में शादी कर दी मेरी। मेरे तो आइडिया नहीं थी पापा, मैं हॉकी खेलता था पहले गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से, तो इन्होंने मेरी हॉकी खुद छुड़वाई, तब भाई रिटायर हो गए एकदम जल्दी। मैंने पूछा इनसे, पापा ये क्या हुआ? कहा यार हॉकी हमारी जो है ना वो बर्बाद हो रही है, तो इससे बेहतर ये है कि तुम छोड़ दो। ससुर तो पता नहीं कैसे होते हैं, पर कैफ बहुत अच्छे इंसान हैं और बाप से ज़्यादा मुझे इन्होंने शफकत दी है। काफ़ी लगते हैं वो, थोड़ा थोड़ा सा डांटते हैं, उसके बाद फिर हमें ना सारी जो भी हम उनको चीज़ें कहते हैं वो हमें ला के देते हैं। मैं हॉकी प्लेयर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि दादा मुँह ने कहा था कि हमारी फैमिली में जो भी मेंबर है उसने हमेशा एक गोल्ड मेडल हासिल किया है, और जो आने वाला कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल करेगा वो भी हमारी फैमिली से होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं ही हासिल करूँ। तो मैंने कहा कि तुम हॉकी अच्छी खेलती हो तो तुम ट्राई करो, तुम्हें बात छो के शायद उन्हें दादा पकड़ रिकॉर्ड चाहिए। बार को तो किसी घोड़े दौड़ाने जाती हैं तो रोज़ाना तो ये वहाँ जाते हैं स्टेबल घोड़ों को देखने जाते हैं कि क्या हाल है उनका, कैसे हैं, किस हाल में है, कैसे दौड़ेंगे। क्या किसी को टांग को चोट लगी होती है, किसी को कुछ हुआ होता है, फिर उनको दवाइयाँ लेके जाते हैं, बहुत इलाज उनके होते हैं जी, घर से ज़्यादा तो उनका खर्चा देखा जाए और उनकी ज़्यादा सुपरविजन होती है बच्चों से ज़्यादा। बात ये है असल में कि पैसा भी वहीं से ही आता है, अगर वो जीत जाए तो मैं जब इनसे बोलती हूँ तो कहते हैं मां खाते तो भी घोड़ों का ही हो। उनको घोड़ों की अफजाइश नस्ल का बहुत शौक है, रेस कोर्स ग्राउंड क्लब के साथ अपना अस्तबल बनाए रखा है और आजकल अपना ज्यादा वक्त उन घोड़ों की देखभाल में गुजारते हैं। ये घोड़ी है जिसका नाम है पेनल्टी कॉर्नर, और जैसा कि मेरी बीवी ने आपसे कहा था ना कि आप मुझे घोड़ों का ज़्यादा शौक है, मुझे घोड़े ब्रीड करने का बहुत शौक है, और ये अभी तक 3 रेसें जीत चुकी है और ये आगे दूसरी घोड़ी है, इसका नाम है बसरा शैम। ये 3 साल की घोड़ी है, 25 घोड़ी है, ये अब बड़ी रेसों के लिए इसको तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे ये भी रेसें जीतेंगे। ये घोड़ी भी मैंने खुद ब्रीड की हुई है। हेलो, ये 5-6 रेसें जीत चुकी है और पिछले हफ्ते भी ये जीती है, क्योंकि ना बहुत पुराने हैं, क्यों मेरे वालिद साहब भी घोड़े रखते थे, मेरे फादर इन लॉ भी घोड़े रखते थे, और फादर इन लॉ के कज़न हैं, उनकी बुक भी थी और घोड़े भी थे, तो मैं वो जब घर में किताब लेके आते थे मैं पढ़ता रहता था, तो मुझे शौक हुआ कि मैंने कहा ये ब्रीडिंग की जाए, तो इसलिए मैंने फिर ये ब्रीडिंग शुरू की। थोड़े छोटे 5-6 घोड़ी हैं मेरे पास और 2-3 सायर हैं, तो ये अच्छा काम चलता है, ये बड़ी अच्छी हॉबी है, मुझे इसमें नुकसान कोई नहीं है, ये मुझे इन रिटर्न बहुत देते हैं पैसे। ये घोड़ी अब तक 5-6 लाख जीत चुकी है, वो जो पर्ली घोड़ी पेनल्टी कॉर्नर है ये 3 रेसें जीत चुकी है, 1 में सेकंड हुई है, 4 दफ़ा भागी है, और ये 2.5-3 लाख रुपया अभी तक ये स्टेक मनी में जीत चुकी है, इनकम भी आ जाती है, खुश भी रहती हैं, दिल भी लगा हुआ है इस बुढ़ापे में। अब अभी चले वहाँ बाहर चलते हैं जहाँ बाकी घोड़े जो है ना इस वक्त वो रोल कर रहे होते हैं,
खाने के पहले इनको रोल कराया जाता ताकि जो खाएं वो हजम हो जाए। मालक का बड़ा वफादार जानवर है मेरे हिसाब से। मैं आपको ये बताता हूँ, ये घोड़ा जो आ रहा है मेरा सबसे कीमती घोड़ा है, इसका नाम है टीपू सुल्तान। ये अभी 2 साल का बच्चा है, ये अक्टूबर में भागेगा। इसका जो बाप है, उसका बाप इंग्लैंड में है, सैडलर्स वेल। सैडलर्स वेल की जो कवरिंग फी है इस वक्त वो 1.5 लाख पाउंड है, मतलब 2.25 करोड़ रुपया सिर्फ कवरिंग फी है उसकी। और इसकी माँ जो है फैनम, वो भी इंग्लिश इंपोर्टेंट मेयर थी और उसने कोई 10 रेसें जीती है यहाँ पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट हॉर्स होगा नेक्स्ट ईयर में। चलो ये मेरी पोती ने इसका नाम रखा है बाबा जानी। ये घोड़ा आ रहा है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये मैंने मोना डिपू से 52,000 रुपये का लिया था। इसका नाम है मिलेनियम काउंट। वो अबू धाबी वाले जब आए पिछले साल तो उन्होंने 4 लाख विनर को दिया, तो यही घोड़ा था वो जिसने जीता। इसने डर्बी विनर उस रेस में भाग रहे थे, उस साल के विनर सबको मारा और रिकॉर्ड टाइम किया इसने उस पर। और ये आज तक 20,70,000 रुपया स्टेक मनी में ये जीत चुका है। मज़ा मुझे जितना हॉकी में है उतना ही रेसिंग में आ रहा है। इसमें मैं जो घोड़े, ये बड़ा सिस्टमेटिक रेसिंग होती है, रेसिंग का जो सिस्टम है, बुध को यहाँ पर हैंडीकैप निकलता है जिसमें 7-8 डिफरेंट रेसेस में डिफरेंट घोड़े भाग लेते हैं। हैंडीकैप का मतलब यह है कि टू पुट वेट ऑन द हॉर्सेस डिफरेंट वेट अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ टू मेक देम एट पार एनी हॉर्स कैन रन इन दैट पर्टिकुलर रेस। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पिछली रेसें कैसे कैसे भागे हैं ये घोड़े, उनके टाइमिंग निकालते हैं, फिर आके उन पर लोग शर्तें लगाते हैं कि ये घोड़ा जीतेगा, ये घोड़ा जीतेगा। वो हॉकी के कमेंटेटर के साथ साथ राइटर भी हैं, वो हॉकी के कोच और मैनेजर भी रह चुके हैं। भारत के सेंटर फॉरवर्ड तलन बार बार आगे निकल रहे हैं, गेंद निकली रुकी और गोल पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के राइट बैक तौकीर डार ने तीसरे पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर दिया। तो मुनीर ने सुनाना वो उसका मुकेश का गाना भूलने वाले याद ना, तो पेश करें थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आपस में बैठे हैं। हमने सुना है इस नगरी में, हमने सुना है इस नगरी में, दिल वाले भी रहते हैं, दिल की बात जुबां पर लाकर, दिल की बात जुबां पर लाकर, अब तक हम दुख सहते हैं। वो बहुत में...